अगर आप लोगों को याद हो कि 16वीं लोकसभा में आपका एनडीए यानी कि बीजेपी का एक सहयोगी दल हुआ करता था आंध्र प्रदेश का, जिसका नाम था तेलुगु देशम पार्टी। क्या था? तेलुगु देशम पार्टी। देखिए आंध्र प्रदेश है हमारा, तो विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर वो चाहता था कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और जब केंद्र सरकार ने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपका बीजेपी से यानी कि एनडीए से अलग हो चुका था। ये मैं 16वीं लोकसभा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो प्रमुख है तेलुगु देशम पार्टी, जिसे आप लोग टीडीपी कह देते हैं, चंद्रबाबू नायडू थे उस समय वहां के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं की पार्टी है। तो अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी आप देखेंगे कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं YS जगनमोहन रेड्डी साहब, इन्होंने गृह मंत्री से एक तरह से मुलाकात की है और विशेष राज्य के दर्जे पर मांग की है। एक तरह से ये भी चाह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। पहले तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि आंध्र प्रदेश वही राज्य है जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, 1 अक्टूबर 1953, याद है आप लोगों को, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इससे अलग करके, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया था आपका 2 जून 2014 को। और आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो अमरावती देखने को मिलेगी, और यहाँ आपको विधान परिषद सीटें भी है, विधान परिषद भी है, और इसकी सीटें हैं 58। विधानसभा सीटों की बात करें तो 176 हैं, राज्यसभा सीटें आपकी 11 हैं, लोकसभा सीटें यहाँ 25 हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह के भी पूछ लेता है कई बार, ठीक है। देखिए यही आपको यमन देखने को मिलेगा, पुदुचेरी, ऊपर आपका उड़ीसा देखने को मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा लगती है, देख रहे हैं आप लोग, तेलंगाना, इससे तो सीमा लगेगी ही क्योंकि इसी से अलग होकर तो तेलंगाना बना था। कर्नाटक से भी इसकी सीमा लगती है और नीचे तमिलनाडु से भी इसकी सीमा लगती है, तो इनके बारे में याद रखिए, ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में से संबंधित विशेष विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और राज्य के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखी है। मुझे आप लोगों को और मेरे भी मन में रहता है कि आखिर विशेष राज्य में क्या ऐसा है कि इसके लिए हर राज्य लगा रहता है कि मुझे भी चाहिए। उड़ीसा को भी आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश को भी देखा होगा, बिहार को भी देखा होगा, ये भी कहते रहते हैं कि मुझे भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आखिर इस विशेष राज्य के दर्जे में है क्या ऐसा कि हर राज्य इसके लिए चिल्लाता रहता है? चलिए देखते हैं इसे। विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को पहली बार 1969 में शुरू किया गया था। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस में बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट भी बन सकता है या फिर आपका लिखित परीक्षा में विशेष राज्य के दर्जे पर क्वेश्चन आ सकता है, तब आप लोगों को ये पॉइंट देना होगा। तो पहली बार यह अवधारणा कब आई? 1969 की। यह अवधारणा को कुछ वंचित राज्यों को सशक्त करने के लिए 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विकसित किया गया था। एक तरह से आप आरक्षण की व्यवस्था ले सकते हैं। आरक्षण को क्यों लाया गया था? रिजर्वेशन को क्यों लाया गया था? जो पिछड़े लोग थे, जो वंचित रह गए थे, मुख्य धारा में जुड़ने से वंचित रह गए थे, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक तरह से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इसी विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा इसीलिए लाई गई थी कि जो राज्य पिछड़े रह गए उन्हें एक तरह से मुख्य धारा में लाना इसका प्रावधान था, एक तरह से इसका उद्देश्य यही था। फिर आप देखेंगे पांचवें वित्त आयोग ने कुछ वंचित राज्यों को उपचार उपचार करने के प्रदान करने के लिए केंद्रीय सहायता और कर विराम विशेष प्रकार विकास बोर्डों की स्थापना, स्थानीय सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण आदि की सिफारिश भी की थी। और इस अवधारणा को विकसित करने का श्रेय तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर गौडगिल मुखर्जी को दिया जाता है, और उनके नाम पर ही विशेष राज्य के दर्जे को गौडगिल फॉर्मूला के भी नाम से आप लोग जानते हैं। अब आप जानते हैं कि नीति आयोग आ चुका है योजना आयोग की जगह, और योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 1 जनवरी 2015 को आप लोगों ने देखा होगा कि नीति आयोग आ चुका है इसकी जगह पर, ठीक है। अब वो पंचवर्षीय योजना जो आपकी निकलती थी वो भी रोक दी गई है। पहले आप देखते थे कि ना 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सब बंद है। प्रारंभ में 3 राज्यों जिनमें आपका जम्मू कश्मीर था और असम नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले 3 राज्यों को, कौन कौन से राज्य थे? जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड। एक बार मैप्स में आप लोग देख लीजिए, आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह एक तरह से विधानसभा भी होगी, याद रखना है आपको। असम की बात करें तो ये असम देखने को मिलेगा और नागालैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। फिर आप देखेंगे लेकिन 1974 से 1979 तक 5 और राज्यों को विशेष श्रेणी में जोड़ा गया,
इसमें आपका हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा। इसमें कौन कौन सी थी? ये तो आपका हिमाचल हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जाइए हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तो आपको मणिपुर ये देखने को मिलेगा, मेघालय आपको ये देखने को मिलेगा, और सिक्किम आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और त्रिपुरा की बात करें तो आप जानते हैं कि इसे त्रिपुरा को आपका बांग्लादेश तीनों तरफ से घिरे हुए दिख रहा है आपको, तो ये त्रिपुरा। उसके बाद आप देखेंगे तो 1990 में अरुणाचल प्रदेश को भी और मिजोरम को भी, अरुणाचल प्रदेश आपका ये है अरुणाचल प्रदेश, और मिजोरम आप देखें तो ये मिजोरम, इसे भी विशेष राज्य का दर्जा मिला। कब? 1990 में। और 2001 में उत्तराखंड राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा मिल गया। कहाँ है उत्तराखंड? यह है उत्तराखंड। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, ठीक है, तो इसे भी आपका विशेष राज्य का दर्जा मिल गया है। लेकिन योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के गठन के बाद 14वीं वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के क्रम से गाडगिल फॉर्मूला आधारित अनुदान को बंद कर दिया गया और विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया है। एक बात हमेशा याद रखिए, विशेष राज्य के दर्जे का कोई प्रावधान आपका संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो याद रखना है आपको। विशेष राज्य के दर्जे के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए जिससे कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके? जिस तरह से आप देखते हैं ना कि आरक्षण के लिए कुछ योग्यताएं, एक तरह से जरूरतें होती हैं कि वो गरीबी में आता हो, वो इस तरह से हो। आप देखते हैं ओबीसी में एक और फॉर्मूला चलता है क्रीमी लेयर का, आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये अलग बात है कि आपका क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है ये आपका ST SC पर लागू नहीं होती, ठीक। विशेष राज्य के का दर्जा ऐसे क्षेत्रों को दिया जाता है जो ऐतिहासिक कारणों से देश के बाकी हिस्सों की तुलना में पिछड़े थे। यह निर्णय तत्कालीन योजना आयोग के निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा लिया जाता था, जो विभिन्न मापदंडों पर आधारित होता था। जैसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों वाले राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, कम जनसंख्या वाले घनत्व और अधिक आदिवासी आबादी वाले राज्यों को भी, पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य को भी, कमजोर बुनियादी ढांचा और आर्थिक पिछड़ापन है अगर किसी राज्य में तो उसे भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता, वित्त की गैर व्यवहार प्रकृति वाले राज्यों को भी विशेष राज्य का एक तरह से राज्य का दर्जा पाने के लिए आवश्यक शर्तें। एक बात और आपको, उत्तम आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश की जो आपकी TDP थी, तेलुगु देशम पार्टी, इसके जो चंद्रबाबू नायडू साहब थे, इन्होंने जब अलग होने की घोषणा करने लगे तो BJP ने, आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री और BJP के सभी एक तरह से NDA ने उन्हें समझाया कि कुछ सहायता, एक तरह से स्पेशल सहायता देते रहेंगे आंध्र प्रदेश को, लेकिन क्योंकि अब आपका विशेष राज्य का दर्जा मिलना बंद हो चुका है 14वें वित्त आयोग के बाद, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने BJP से अलग, NDA से अलग हो चुके थे, ठीक है। अब बात करते हैं विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले वालों को लाभ आखिर क्या होते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि किन्हें किन्हें क्या शर्तें होनी चाहिए विशेष राज्य के दर्जे के लिए, लेकिन इसका आखिर लाभ क्या है? अगर लाभ ना होता तो कोई राज्य इस तरह का हंगामा ना करता, हर कोई विशेष राज्य का दर्जा पाने के लिए एक तरह से ना आता, आवा हाव हल्ला ना करता। इसका कुछ फायदा भी तो होगा, चलिए फायदा देख लेते हैं। केंद्र सरकार सभी प्रायोजित योजनाओं पर होने वाले खर्च का 90% वहन करती है, जबकि शेष 10% के लिए राज्य को 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आम के आम, गुठलियों के दाम। आप समझिए कि कोई योजना चल रही हो तो 90% तो आपकी केंद्र सरकार खर्च करेगी उस पर, और जो 10% एक तरह से आप समझिए राज्य सरकार खर्च करेगी, उस पर भी 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगी कौन? केंद्र सरकार। आप समझ सकते हैं कि इतना लाभ है इसका। बाकी राज्यों में आप देखेंगे कि 10% ही खर्च करती है कौन? आपकी राज्य सरकारें। 90% राज्य, माफ करिए, 10% ही आपकी केंद्र सरकार खर्च करती है और 90% वहां की राज्य सरकारें। इतना लाभ है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आपने कोई काम किया, 100% आपके पिताजी, यानी कि 100 रुपये में से 90 रुपये तो आपके पिताजी देंगे और 10 रुपये आपको लगाना होगा, वो 10 रुपये भी वही ऋण देंगे पिताजी, और आपसे कोई उस पर ब्याज भी नहीं लेंगे, तो आप समझ सकते हैं कितना फायदा होता है। केंद्रीय अनुदान में इन राज्यों को वरीयता दी जाती है, केंद्र राज्यों को उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उत्पाद शुल्क पर रियायतें भी दी जाती हैं। ये सभी फायदे हैं आपके विशेष राज्य के दर्जा के। केंद्र के कुल बजट का 30% विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों के विकास में खर्च किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इसके लिए एक तरह से चिल्लाते रहते हैं। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को निवेश को आकर्षित करने के लिए सीमा शुल्क, कॉरपोरेट कर
आयकर और अन्य करों से छूट भी दी जाती है। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को यह सुविधा प्रदान की जाती है कि वे चालू वित्त वर्ष में व्यय ना किए जाने गए धन को अगले वित्त वर्ष में व्यय कर सकते हैं। ये भी फायदे हैं। वर्तमान में क्या है विशेष दर्जे की स्थिति? तो वर्तमान परिदृश्य में किसी भी राज्य को गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त नहीं है और ना ही भारत के संविधान में राज्यों के वर्गीकरण के लिए विशेष राज्य के दर्जे के रूप में कोई प्रावधान भी शामिल नहीं है। हमारे संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि संविधान के आप देखेंगे भाग भाग 21 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 371 और अनुच्छेद 371A से लेकर आपका 371 I कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना अलग बात है, वो विशेष अधिकार कुछ दिए गए आर्टिकल 371 के तहत, तो वो अलग है, याद रखिए आप लोग। ये राज्य आपके महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना और गोवा है। तो याद रखिए जो आपका संविधान में अनुच्छेद 371 के तहत, 371 से लेकर आप देखते हैं 371 I के तहत जिस राज्यों को अधिकार मिले हों उनमें आप देखते हैं कि असम भी है, नागालैंड भी है, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना और गोवा। लेकिन इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, विशेष राज्य की तुलना में इससे कम फायदा मिलता है। बने आप सोचिए कि आंध्र प्रदेश को भी तो एक तरह से फायदा मिल रहा है, 371 में आंध्र प्रदेश भी तो शामिल है, लेकिन फिर भी आप विशेष राज्य का दर्जा पाने की इच्छा रख रहा है कौन? आंध्र प्रदेश। तो यही फायदे हैं, तो इनके बारे में यही पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? ये टॉपिक कई बार चर्चा में बना रहता है और क्वेश्चंस भी इससे हमेशा पूछे जाते रहे, ठीक है?